बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार और ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का बुधवार 7 जुलाई को सुबह निधन हो गया। दिलीप कुमार 98 साल के थे और पिछले काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। दिलीप कुमार ने मुंबई स्थित हिंदुजा अस्पताल में सुबह 7:30 को आखिरी सांसें ली। उनके निधन से पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है। अपने दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार कैबिनेट का विस्तार करने जा रहे हैं। प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने एनसीपी नेता एकनाथ खड़से के दामाद गिरीश चौधरी को पुणे में 2016 के एक जमीन सौदे से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट ने पुरी के अलावा अन्य शहरों में जगन्नाथ रथ यात्रा की याचिका खारिज की। कश्मीर के हंडवाड़ा एनकाउंटर में मारा गया हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर। मृतक मेहराजुद्दीन हलवाई कई आतंकी वारदातों में शामिल था। भाजपा में शामिल होंगे कृपा शंकर सिंह। 2019 में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था और 22 महीने की लंबे इंतजार के बाद मिली भाजपा में एंट्री।